नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सुरलानिया एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के अंदर क्या हुआ, वैकेंसी निकली उसके बारे में। तो कुल पद हैं 551 और पद हैं नर्सिंग ऑफिसर के। तो शैक्षणिक योग्यता बीएससी, आपके बीएससी नर्सिंग अथवा बीएससी ऑनर्स उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर समकक्ष हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा इसकी रहेगी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। इसकी जो वेबसाइट है, ये इसकी वेबसाइट है, आप इस पर जाकर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और यहाँ से इसकी जो PDF है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट रहेगी वो 12 जुलाई 2018 रहेगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये व SC ST के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये निर्धारित है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। संबंधित वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। चयन प्रक्रिया, इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये तो थी जो ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज है, वहाँ पर जो वैकेंसी निकली है 551 पद पर, उसके बारे में जानकारी। अब एक थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं एक भर्ती के बारे में। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो गुजरात उच्च न्यायालय में 767 पदों पर भर्ती निकली। ये पद है जो असिस्टेंट के, इनके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्थान जो स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और जो आयु सीमा वो 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पूर्ण संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अंतिम तिथि इसकी 14 जुलाई 2018 रहेगी। आवेदन शुल्क सामान्य OBC वर्ग के लिए 600 रुपये रहेगा और SC ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये रहेगा। तो आवेदन की जो प्रक्रिया, वो संबंधित उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट यानी hcaujas.gujarat.nic.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक पूरा कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट है। तो उम्मीदवार आगामी चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट को सुरक्षित रख लिया, ताकि भविष्य में जब इसके एडमिट कार्ड जब आपको मिले तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर चाहिए होंगे तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, ये तो थी इन भर्तियों के बारे में। इसके बाद हम तीसरी जो भर्ती की बात कर रहे हैं वो है भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के अंदर। तो ये कुल पद 186 पद का नाम है जूनियर असिस्टेंट और शैक्षणिक योग्यता इसके लिए चाहिए। उम्मीदवार मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, फायरमैन से डिप्लोमा एवं अन्य निर्धारित योग्यताएँ उसके पास होनी चाहिए। आयु सीमा इसकी क्या रहेगी, उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये ऑफिशियल इसकी वेबसाइट, इस पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 जुलाई 2018 रहेगी। आवेदन शुल्क इसका अनारक्षित वर्ग तथा OBC वर्ग के लिए 1000 रुपये तथा SC ST महिला PWD वर्ग के लिए निःशुल्क होगा। आवेदन पर के आवेदन करने के लिए उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट पर जाएं और मौजूद दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें। तो इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी तीन वैकेंसी जिनके बारे में हमने चर्चा की। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण 186 पोस्ट, गुजरात हाईकोर्ट 167 पोस्ट और ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में नर्सिंग ऑफिसर के 551 पदों पर वैकेंसी की चर्चा की। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के लेटेस्ट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही, आज की वीडियो से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।